Hello, welcome to PK Tutorials. So, today our topic is about rules of inference. Rules of inference. सो इन्फ्रेंस वॉट मीन्स बाई इन्फ्रेंस इंफ्रेंस क्या होता है उर्दू में हम इसको अंदाज़ा कहते हैं जिस तरह किसी चीज़ का अंदाजा लगाना तो मैथमेटिक्स में इस तरह अंदाजे लगाने के भी कोई अपने रूल्स होते हैं कुछ कवायद होते हैं तो उसको हम कहते हैं रूल्स ऑफ इन्फ्रेंस टू derive, तो ये रूल्स ऑफ रिफ्रेंस क्या होते हैं टू derive कंक्लूजन from एविडेंस किसी भी एविडेंस से एविडेंस उर्दू में हम इसको कहते हैं शवाहद या सबूत Uh, हो हमारे पास तो उससे कोई नतीजा अहस करना तो इसको हम कहते हैं रूल्स ऑफ इंफ्रेंस दीज आर द टेम्पलेट्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग वेलिड आर्गूमेंट दुरुस्त दलाइल आर्गूमेंट को उर्दू में हम कहते हैं दलाइल वेलिड मीन्स दुरुस्त कि हम इसको वेलिड आर्गूमेंट जिस तरह प्रपोजिशनल लॉजिक या फ्रीडिकेट लॉजिक कोई भी जब हम डिज़ाइन करते हैं सिस्टम को तो उसके लिए हम वेलिड आर्गूमेंट के बेस पर ही Uh, कुछ कंक्लूजन uh, जो अहस uh, करते हैं उसको हम कहते हैं रूल्स ऑफ इंफ्रेंस तो ये जो रूल्स हैं जो कवायद हैं जो तौर uh, कवानी हैं इसके टेम इसको इज ए टेम्पलेट्स यूज किया जाता है किसी भी लैंग्वेज या किसी भी सिस्टम के डिज़ाइन के लिए ठीक तो आर्गमेंट क्या होता है इन मैथमेटिक्स आर्गमेंट इज़ अ लिस्ट ऑफ स्टेटमेंट्स कॉल्ड प्रेमिस या इसको हम एजम्पन और हाइपोथेसिस भी कहते हैं फॉलोड बाई ए स्टेटमेंट कॉल्ड कंक्लूजन तो उसके जो फर्स्ट होते हैं प्रेमिस स्टेटमेंट्स होते हैं डिफरेंट हाइपोथिस या एजम्पन जो हमने एजम्पन की हुई होती है यानी फर्श किया गया है, कि ये ट्रू। ट्रो तो उसके आखिर में फिर एक कंक्लूजन होता है इसको एक एग्जाम्पल से देखते हैं फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक प्रेमिस है इफ यू हैव ए करंट पासवर्ड न लॉग अनु द नेटवर्क फॉर यूनिवर्सिटी में है स्टूडेंट तो अगर आपके पास जो लैब का नेटवर्क है उसको एक्सेस करने के लिए आपके पास जो करंट पासवर्ड हो अगर वो आपके पास हो फिर आप लॉग इन कर सकते हैं ठीक है तो सेकेंड है जो प्रेमिस टू है यू हैव ए करंट पासवर्ड तो दूसरा जो है कि आपके पास पासवर्ड ऑलरेडी मौजूद है तो ये दो हमारे पास प्रेमिस हो गए तो देयर फोर यू कैन लॉग अनु द नेटवर्क तो आप जो है ना नेटवर्क को लॉग इन कर सकते हैं आप इसको यानी आप एक्सेस कर सकते हैं जो लेब का जो नेटवर्क है उसको एक्सेस कर सकते क्योंकि जो दो प्रीवियस आर्गुमेंट्स हैं ये दोनों आर्गुमेंट्स इसको हम आर्गुमेंट्स कहते हैं इनकी जो दोनों प्रेमिस हैं वो ट्रू है जब वो ट्रू हो तो हम इससे ये कंक्लूजन डिराइव करते हैं इस प्रीवियस जो एविडेंस है दो हमारे पास कि आपके पास अगर किसी के पास पासवर्ड पास हो करंट तो वो नेटवर्क पर लॉग इन कर सकता है और आपके पास पासवर्ड है सो इट मीन्स कि यू कैन लॉग इन टू द नेटवर्क तो जो जो लास्ट सेंटेंस जिसको हम कंक्लूजन कहते हैं ये हमने अहस किया इसको हमने डिराइव किया फ्रॉम प्रीवियस टू आर्गुमेंट्स और इसका जो सिंटेक्स है ये दो हम प्रिमिसेस से ये दो से ज्यादा भी हो सकते हैं फॉर एग्जांपल p1 p2 p3 अप टू pn दस हो सकते हैं पांच हो सकते हैं तो مختلف प्रिमिसेस को एक आ, से हम कोई भी एक सिंगल या दो तीन चार कंक्लूजन एज कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस आर्गुमेंट्स रूल ऑफ इन्फेरेंस इससे पहले इस स्टार्ट uh, इस कोर्स के स्टार्ट में हमने मैथमेटिक क्रिटिकल रीजनिंग के बारे में पढ़ा था इट्स अ स्किल दैट अलाउस टू एम्प्लाई क्रिटिकल थिंकिंग इन मैथमेटिक्स कि ये मैथमेटिक्स में हमारा जो क्रिटिकल थिंकिंग है उसको इम्प्रूव uh, करता है ठीक है उसमें हेल्पफुल है उसमें असिस्ट करता है सो वी नीड मैथमेटिकल रीजनिंग टू डिटरमाइन वेदर अ मैथमेटिकल आर्गूमेंट इज करेक्ट और इनकरेक्ट कोई भी अगर मैथमेटिकल आर्ग्यूमेंट हो कि वो सही है या गलत है तो उसको डिटरमाइन करने के लिए हम मैथमेटिकल रीजनिंग यूज करते हैं और सेकेंड ये होता है कि कंस्ट्रक्ट मैथमेटिकल आर्गूमेंट्स कोई भी अगर हम नए मैथमेटिकल आर्गमेंट uh, को डिजाइन या कंस्ट्रक्ट करना चाहे तो उसमें भी मैथमेटिकल रीजनिंग हमें आ, मदद देती है उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं सो मैथमेटिकल रीजनिंग इज़ नॉट ओनली इंपॉर्टेंट फॉर कंडक्टिंग प्रूफ ये कोई सिर्फ प्रूफ के लिए नहीं है कि उसके लिए अहम है एंड प्रोग्राम वेरीफिकेशन जब हम कोई कंप्यूटर के प्रोग्राम डिज़ाइन करते हैं तो उसकी वेरीफिकेशन के लिए भी जरूरी नहीं है बट आल्सो फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम जो ए के सिस्टम आजकल डिज़ाइन हो रहे हैं जो यूज़ हो रहे हैं उसमें हमारा मैथमेटिकल रीज़निंग इसी ही जो आर्गूमेंट वगैरह डिजाइन करते हैं वो इसी बेस पर करते हैं ड्राइंग लॉजिकल इंफ्रेंसिस फ्रॉम नॉलेज एंड फैक्ट्स जिस तरह ए आई सिस्टम में कोई भी आपके पास नॉलेज बेस होता है और कुछ फैक्ट्स होते हैं तो उस बेस पर इंफ्रेंसेस डिज़ाइन करते हैं सिमिलर लाइक फॉर एग्जांपल री एन्फोर्समेंट लर्निंग है तो उसमें एजेंट और इन्वायरमेंट होता है वो इन्वायरमेंट से सीखता है और आगे फिर इन्फ्रेंसेस करता है उसको डेट यूज़ करके गेसेज पे इंफ्रेंसेस के बेस पर कोई भी इस तरह के हम सिस्टम डिज़ाइन कर सकते हैं तो ए में उसका बहुत ज़्यादा इन्वॉलमेंट है रोल है मैथमेटिकल uh, रिज फर्स्ट लेक्चर परिडक्टिव पढ़े थे एक, था, और uh, तो ये जो हमारे प्रूफ्स है आगे मेथड ऑफ प्रूफ हम पढ़ेंगे तो ये ज्यादातर डिडक्टिव है डिडक्टिव मींस ये मैंने आपको स्क्रीन uh, पर देख रहा है लॉजिकली ट्रू एंड इज आल्सो ट्रू इन रियलिटी जो डिडक्टिव रीजनिंग है उसमें लॉजिकली uh, भी ट्रू होते हैं और रियलिटी में भी ट्रू होता है बट इंडक्टिव रीजनिंग में वो इन रियलिटी में ट्रू भी हो सकता so, है, 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 है और फॉल्स भी हो सकता है सो इस बेस का जो प्रूफ है ये सारा डिडक्टिव बेस है जो हाइपाथ है हमारे वो वेलिड होते हैं और वेलिड ट्रू स्टेटमेंट होते हैं और ये ट्रू होता है डिडक्टिव रीजनिंग इन ऑल केसेस तमाम केसों के लिए वो ट्रू होते हैं सो so, uh, इसको कोर्स को uh, uh, लेक्चर को आगे जाने के लिए हमें कुछ टर्मिनोलॉजी का पता होना चाहिए जो आगे सारे प्रूफ में और ये रूल ऑफ इन्फ्लेंस में आते हैं तो आइए देखते हैं एग्जाम फर्स्ट होता है एग्जिम इन एग्जाम इज़ अ बेसिक एजम्पन अबाउट मैथमेटिकल स्ट्रक्चर दैट नीड्स नो प्रूफ इसको प्रूफ करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है इट इज़ अ सेल्फ एविडेंट ट्रूथ इसको हम कहते हैं कि ये खुद ऑलरेडी ट्रू है प्रूव हो गया है ट्रू और ये जो एग्जिम होता है ट्रू फॉर एनी फील्ड ऑफ साइंस या साइंस के किसी भी ब्रांच के लिए या किसी भी सब्जेक्ट के लिए वो सब के लिए सेम होता है और उसी के लिए वैलिड होता है तो इसको हम कहते हैं एग्जियम थिंग्स नोन टू बी ट्रो फैक्ट्स आर प्रो अच्छा इसमें कुछ फैक्ट्स होते हैं जो रियलिटी में बिल्कुल फैक्ट्स होते हैं इसको या कोई तीव्रम के जरिए किया गया हो ऑलरेडी किसी ने प्रूव किया गया हो तो उसको भी एग्जियम होते हैं जो सेकेंड थिंग बिलीव बिलीव टू बी ट्रो बट कैन नॉट बी प्रूव कुछ चीज़ें होती है जो कि ट्रू होती है बट इसको प्रूव नहीं किया जा सकता है तो इस तरह के भी हम इसको हम एग्जियम कहते हैं कि ये बेसिक एजम्पन है और ये बिल्कुल ट्रू है बेस्ट ऑन फैक्ट्स आर ऑलरेडी प्रोन। फॉर एग्जाम्पल ये एक एग्जियम है थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू अनदर टू वन अनदर। ये एक एग्जियम है यूक्लिड ने पेश किया था कि अगर दो चीजें एक तीसरे चीज के बराबर यानी एक जैसे हो सो दोनों चीजें आपस में भी एक जैसे होंगे फॉर एग्जाम्पल एक वेरिएबल है हमारे पास उसकी वैल्यू 10 है डबल इज इक्वल टू टेन और एक्स इज इक्वल टू डब्ल्यू एंड वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू अब ये जो दो वेरिएबल है हमारे पास एक्स और वाई ये दोनों डब्ल्यू के बराबर है तो इट मीन्स ये एग्जियम के बेस पर एक्स इज इक्वल टू वाई कि एक्स वाई के बराबर है और वाई x के बराबर है और दोनों किसके टेन के बराबर है तो इस तरह के ये जो एग्जियम है ये ट्रू है ये ऑलरेडी प्रूवड भी है और वेलिड है फॉर ऑल ब्रांचेस ऑफ साइंसेज इसमें कोई तो इस तरह की जो स्टेटमेंट होती है जो इसको हम या एगम्स होती है उसको हम एग्जियम कहते हैं वो ट्रू होती है उसको प्रूव करने की जरूरत नहीं होती है सो वी कैन यूज अ प्रूफ to demonstrate that a particular statement is true. सो so प्रूफ क्या होता है प्रूफ का मतलब होता है जो सबूत होता है कि हमने किसी चीज़ की सबूत देना है कि उसको हम बयान के, के वो जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है ए प्रूफ कंसिस्ट ऑफ ए सीक्वेंस ऑफ स्टेट्समेंट तो प्रूफ के लिए भी स्टेटमेंट्स होते हैं सीक्वेंस मीन तरतीब के साथ एन आर्गूमेंट जिस तरह हमने अभी फर्स्ट एग्जाम्पल में देखा तो मुख्तलिफ प्रेमिस होते हैं आर्गूमेंट्स होते हैं और उस बेस पर जो कंक्लूजन होता है उसको हम प्रूफ करते हैं कि ये ट्रू है और इस स्टेप को द स्टेप डेट कनेक्ट द स्टेटमेंट इन सच ए सिक्वेंट आर द रोल्स ऑफ इनफ्रेंस तो इसको हम रूल्स ऑफ इन्फ्रेंस कहते हैं ये जो स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं इस सारे प्रोसेस में जो स्टेटमेंट को कनेक्ट करते हैं एक दूसरे से इन ए सीक्वेंस और फाइनल में कंक्लूजन होता है तो इन सारे के लिए इसको हम कहते हैं रूल्स ऑफ इन्फ्रेंस केसेस ऑफ इनकरेक्ट जो कुछ केसेस होते हैं जिसमें इनकरेक्ट कुछ में वो गलत होते हैं रीजनिंग में उसको हम फॉलेसिहते जमा है कि इसको हम के नाम से पुकारते हैं। आ, एक होता है एग्जाम के बाद पास्टुलेट होता है मैथमेटिक्स में ज्यादातर यूते हैं एग्जाम और पास्टुलेट सो so, पास्टुलेट क्या होता है इट्स सेम एज एग्जाम एग्जाम की तरह होता है बट इट इज स्पेसिफिक ऑन ए पर्टिकुलर फील्ड तो ये जो होता है सिर्फ किसी भी एक फील्ड के लिए होता है सब सारे साइंस के जितने भी ब्रांचेस है उसके लिए वेलिड नहीं होता है कोई स्पेशल महसूस केस होता है या सब्जेक्ट होता है या कोई फील्ड होता है सिर्फ उसी के लिए आ, होता है अगर उसके अलावा किसी और सिस्टम पे या किसी और फील्ड में अप्लाई करें तो मे बी के वो वर्क ना करें या उस पर ट्रू ना हो उसके लिए वो फालस हो तो ये इसको हम पास्टुलेट कहते इस तरह के एजम्पन जो स्पेसिफिक फील्ड के लिए गया हो, तो उसको हम कहते हैं। so, uh, इसके बाद है है? क्या होता स्टेटमेंट दैट कैन बी शोन टू बी ट्रू ठीक है किया uh, गया हो, और उसको हम ट्रू कहते हैं ए लीमा इज ए सिंपल त्यूरम अच्छा लीमा जो है ये भी त्यूरम टाइप का ही होता है यूज्ड एज इन इंटरमीडिएट रिजल्ट इन द प्रूफ ऑफ अनदर थ्योरम जब थ्योरम को प्रूफ किया जाता है तो उसके इंटरमीडिएट यानी बीच में से आपको अंदाजा लग जाता है कि कुछ रिजल्ट आए हैं और वो भी ट्रू है तो वो किसी और थ्योरम को प्रूव करता है जिस तरह एक थ्योरम वन आपने प्रूव करना है और बीच में से स्टेप वाइज आते हुए आपने एक दूसरे एक कोई और नतीजा उससे आस किया और एक वो अलग थ्योरम बन गया तो उसको हम कहते हैं लीमा लीमा तो मैथमेटिक्स में ज़्यादातर यूज़ होते हैं लीमा जब किसी चीज़ को प्रूफ करते हुए बीच में से कोई और रिजल्ट निकल आए एक होता है कुरालरी कुरालरी कहते हैं इज अ प्रपोजिशन दैट फॉलोज डायरेक्टली फ्रॉम ए थ्योरम दैट हैज बीन प्रूव्ड अच्छा थ्योरम जब प्रूव किया जा सकता है तो इस तरह कुछ और भी प्रपोजिशन होते हैं जो उसी थ्योरम को फॉल्व करते हैं उसी पर बेस करते हैं लेकिन वो छोटा होता है एक प्रपोजिशन होता है सिर्फ सिंपल प्रपोजिशन होता है तो इस तरह के हम एक थ्योरम से कई दो चार मुख्तलिफ क्रोलरी जो है ना वो अहस कर सकते हैं तो वो कंप्लीट थ्योरम नहीं होता है बट उसका कुछ पार्ट हो सकता है ठीक है तो उसको हम क्रोलरी कहते हैं आ, इसके बाद है कंजेक्चर कंजेक्चर क्या होता है उसको उर्दू में हम कियास कहते हैं इज अ स्टेटमेंट हुज ट्रूथ वैल्यू इज अननोन जिसका ट्रूथ वैल्यू हमारे पास आ, आ, पता ना हो जिसका जो अन नोन हो नामूम हो वन इट्स प्रून जब इसको प्रूव किया जा सकता प्रूव करे तो इसके बाद वो तीव्रम बन जाता है यानी तीव्रम को प्रूव करने से पहले वो क्या होता है कंजेक्चर होता है तो ये डिफरेंट के टर्मिनोलॉजी हैं त्यूरम लीमा क्रादरी मैथमेटिक्स में जो मै, जिसका मेजर मैथमेटिक्स हो उसको तो पता होता है लेकिन डिस्क्रीट मैथमेटिक्स या कंप्यूटर साइंस में थोड़ा सा डाउट होता है कि ये क्रादरी क्या होता है थ्योरम लीमा एग्जियम तो इस डिफरेंस को जरा अंडरस्टैंड करें कि ये एक दूसरे से किस तरह डिफरेंट होते हैं इसके बाद है थ्योरम ऑफन अच्छा थ्योरम जो है इसके टू पार्ट्स होते हैं फर्स्ट होते कंडीशंस या हाइपोथेसिस इस जिस तरह हमने पहले एग्जाम्पल में देखा और सेकेंड होता है कंक्लूजन जो कंक्लूजन होता है वो उसका रिजल्ट होता है एक कारेक्ट या डिडक्टिव प्रूफ जो हम प्रूफ करते हैं जो सही प्रूफ होता है इस

कंडीशन इम्प्लाइज कंक्लूजन इज ए टाठजी हमने फा, फा, जो प्रपोजिशनल लॉजिक था उसमें हमने पढ़ा था टाटालोजी मीन्स की इट इज ऑलवेज ट्रू हमेशा ट्रू होता है अफ ऑन देर आर मिसिंग पीसे बिटवीन कंडीशन एंड कंक्लूजन फील इट बाई एन आर्गूमेंट अच्छा कुछ आर्गुमेंट होते हैं यूजिंग कंडीशन एंड एग्जाम ये जो हमने एग्जाम अभी बयान किए एग्जाम या कंजेक्श uh, कंजेक्चर uh, या त्यूरम तो वो जो इस मिसिंग uh, बिटवीन कंडीशन एंड कंक्लूजन क्योंकि जितने हमारे पास अगर दो चार छः कंडीशन या प्रेमिस हैं कंडीशन और इससे हमने कोई कंक्लूजन अहस करना है फाइनल नतीजा तो बीच में से कुछ एज ए आर्गूमेंट आप कोई भी कंडीशन और एग्जाम भी इसमें मिला सकते हैं जिस तरह जोमेट्री के मुख्तफ एग्जीम होते हैं तो आप कोई भी थर्ड एग्जाम जिस तरह आ, एंगल का है कि राइट एंगल ट्राई एंगल हो और उसके मुख्तलिफ थ्योरम्स हैं तो कोई भी थ्योरम आप इसमें इम्बेट कर सकते हैं इसी स्टेटमेंट्स के जो अगर उस सिस्टम पर काम कर रहा हो अगर कोई स्पेसिफिक पास्टुलेट ना हो किसी और फील्ड का अगर एग्जाम तो सारे साइंस के जितने भी फील्ड हैं उस पर काम करते हैं ठीक है तो इसमें हम इसको इम्बेट कर सकते हैं यूज कर सकते आर्गोमेंट में Uh, अगर कोई मिसिंग हो या कोई इसका अवेलेबिलिटी हो कि इसको हम यूज करें अच्छा सेकंड है स्टेटमेंट इन द आर्गुमेंट कनेक्टेड बाय प्रॉपर रूल्स ऑफ इंफ्रेंस जो स्टेटमेंट या जो प्रेमिस हम कनेक्ट करते हैं तो वो रोल्स ऑफ इन्फ्रेंस ये जो इन्फ्रेंस के रूल्स हैं थ्रो उसी के बेस पर ही हम कोई इसको हम कनेक्ट कर सकते हैं अगर इस रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं तो देट विल बी नॉट वेलिड प्रूफ सो दे विल बी इनकारेक्ट तो ये जो रूल्स ऑफ इन्फ्रेंस हम आ, आ, पढ़ेंगे आगे तो इसी बेस पर ही हमने कंक्लूजन अहस करने ठीक सो टाइप्स ऑफ इन्फ्रेंस रूल्स इंफ्रेंस रूल्स के जो टाइप्स है या जो पार्ट्स है इसको हम uh, आठ मुख्तलिफ टाइप्स uh, है जिसको हम डिटेल से पढ़ेंगे फर्स्ट है उसमें मोडस मोडोसपोन सेकेंड है मोडस मोडोसठलेंस थर्ड है हाइपोथेटिकल सेलुजिज्म फोर्थ है डिसजंक्टिव जंग फाइव है एडिशन सिक्स है सिंप्लीफिकेशन सेवन है कंजंक्शन और थर्ड है एट uh, नंबर है रिज़ोल्यूशन तो ये आठ हमारे पास टाइप से रूल्स ऑफ इंफ्लुंस में अः uh, में भी दिए गए हैं काफ़ी जो टेबल वन है इस चैप्टर में आप देख सकते हैं तो इसमें रूल ऑफ इन्फ्लुएंस है टाटालोजी है और नेम है उसका जो रूल ऑफ इन्फ्लुएंस है उसका नेम है तो ये आठ मुख्तलिफ रूल्स ऑफ इन्फ्लुएंस है इसको हम एग्जाम्पल के साथ देखते हैं अच्छा है, ये देखिए इसमें जो टाटालोजी आपको नजर आते हैं ये टाटालोजी uh, हमने जो पिछला अभी पढ़ा कि कंडीशन इम्प्लाइज कंक्लूजन इज ए टाटालोजी इट मीन्स कि ये जो है ये हमेशा के लिए ट्रू होगा फॉर एनी सिस्टम फॉर एनी कंक्लूजन दिस कंक्लूजन आर ऑलवेज बी ट्रू ठीक है तो ये आठों के आठ जो रूल्स ऑफ इंफरेंस हैं इसमें जो कंक्लूजन uh, होते हैं हमारे पास ये टाटॉलोजी है टाटालोजी मीन्स इट इज ऑलवेज ट्रू Okay, thanks guys. Like and share our videos, and also don't forget to subscribe our channel. Okay, bye bye.